6 जुलाई 2022 हम और हमारी टीम ऑफिस में बहुत जोर से काम कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे शाम होने का, क्योंकि उस दिन एक सेलिब्रेशन भी था, एक बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करने का सेलिब्रेशन। लेकिन तभी आता है एक कॉल। आप कौन? कहां लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? Speaking with the team of Creator Studios? Yeah, speaking. Would you like to do an event with John Lucas? हमने थोड़ा सा भाव खाया और बैकग्राउंड में नाचने चले गए। 5 मिनट दीजिए, हम आपको कंफर्मेशन देते हैं। Okay, sure. Yeah, we'll do that. तारीख आगे बढ़ी, 12 जुलाई 2022 सुबह के 3 बजे हम निकले अपने पहले लोकेशन के लिए, सस्ता शिमला। इस मस्ती भरे सफर में सुबह के इन खूबसूरत नजारों को अपनी डिजिटल आंखों से कैप्चर करते हुए रास्ते में हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे। रास्ते में हमने भी किसी को गाड़ी में धक्का लगाते हुए देखा तो हमें भी लगने लगा पेट्रोल एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, कम हुआ तो जॉन लुकास हमारे आने का इंतजार नहीं करेगा। रास्ते में हमने गाड़ी रोकी, एक सस्ता पिकनिक स्पॉट ढूंढा, थोड़ी चाय पी, थोड़ी ठंडी हवाएं फील की, फटाफट हमने कपड़ा बिछाया और बैठ गए उस चाय की चुस्की लेने जो सूरज भाई खुद अपने स्पेशल रेसिपी से बना के लाए थे। ऐसे खुद ही नहीं पता जा रहे हैं, लो बताओ सस्ती कर लो बात। अरे कहना क्या चाहते हो? हमने अपने अपने टिफिन खोले और खाना शुरू किया, ठीक उसी तरह जिस तरह स्कूल में किया करते थे। सबको एक एक डिश लाने की जिम्मेदारी मिली थी जो सबने बखूबी निभाई। फिर हमने सोचा जिस तरह हम नेशनल हाईवे को अपने बाप की जमीन समझ कर बैठ गए हैं, कोई आके हमें टोक ना दे। फिर हमने दोबारा सोचा, हटाओ यार मसाला चाय विद पकौड़ी और आलू के पराठों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस सस्ते शिमला में हमें एक टपरी जैसा ढाबा मिला, वहां हमने कुछ फोटोज क्लिक की और जो कंफर्टेबल कपड़े हम पहन के आए थे वो चेंज करके सेक्सी बॉयज बन गए, क्योंकि हम सस्ते शिमला में एंटर कर चुके थे। जैसे जैसे हम लोकेशन के पास जाते जा रहे थे वैसे वैसे हम उस शख्स के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि वो कैसा होगा, कहीं उसका नेचर एरोगेंट या एटीट्यूड वाला ना हो। समय आ चुका था जिसका हमें इंतजार था, जॉन लुकास। हम उनके पास जाने के लिए निकल चुके थे। साइट्रॉन के मैनेजर ने हमें बोला कि उनकी एंट्री भी शूट करनी है, ठीक वैसे ही जैसे किसी शादी में 8-10 फोटोग्राफर पीछे लग जाते हैं जब कोई दुल्हन एंट्री लेती है। हल्ला दुल्ला ढोल नगाड़े, फुल सिंघम वाली एंट्री की तैयारी। इसी बीच में सिंघम वाली भीड़ को पकड़ लेती है सिंघम रिटर्न्स की असली पुलिस, परमिशंस, डॉक्यूमेंट्स, कॉल्स और फिर ढोल नगाड़े चालू। बाइक पे उल्टा होके बैठा हुआ मैं, जो रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह उम्मीद कर रहा था कि 10-12 गाड़ियां आएंगी, हवा में उड़ेंगी, तोड़फोड़ होगी और हम किसी फिल्म की तरह सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। और पीछे थार में बैठ के आराम से आते हुए सौरभ और सूरज भाई। हाँ बोल, बहुत आराम से बैठ के आ रहे थे ना, सीट के नाम पे स्पीकर पे बैठा रखा था उन बहन के ने, साले पूरे रास्ते बिलाती हुई आई हमारी बहन के। और अभी तो रुको, बहन आदमी बिस्तर बिछा हुआ था वहाँ पे, आराम से तकिया लेके लेट आया था, बिजनेस क्लास की टिकट करा दी होगी तूने साले। ठीक ठीक ठीक। 5 मिनट बाद जॉन लुकास हमारे सामने, शूट हो रहा था, इवेंट चल रहा था, हजारों की भीड़, भीड़ में फंसा जॉन लुकास और इसी भीड़ में मसाज लेती हुई हमारी क्रिएटर स्टूडियोज की टीम, जो उस भीड़ को हल्के में ले रही थी और सोच रही थी कि शूट हम आराम से कर लेंगे। हम लेफ्ट मुंह घुमाएं तो किसी की बगल सूंघ रहे थे और राइट मुंह करें तो किसी के चूतड़, जो चौंके हुए थे। लेकिन किसी न किसी तरह हमने सस्ते शिमला का शूट खत्म किया और पहुंचे वहां के विधायक के ऑफिस में, क्योंकि पर्सनल इन्वाइट था ना, जहां सारे सरकारी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, पुलिस भारी मात्रा में और रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे। इतनी पुलिस देख के किसी की भी हालत टाइट हो जाए, लेकिन हम उस दिन वहां डरे नहीं, शायद
हमें लग रहा था कि जॉन लुकस हमारे साथ खड़ा है, इसीलिए शायद हमें डर नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी को देख के लगा शायद वो सुपरमैन भी हो सकता है, अभी शायद वो क्लार्क कैंट के रूप में खड़ा है। वहां से निकले हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, बरौथ। वहां के लिए हम रेडी थे, एक बार मूंगी खा चुके थे ना, बिल्कुल वैसी फील आ रही थी जैसे प्लेन में बैठने पर हमें गाइडलाइंस दिए जाते हैं, यात्री अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, बिल्कुल वैसे। हम पहुंचते हैं बरौथ, वहां भी हजारों की भीड़, लेकिन वहां गार्ड्स का मैनेजमेंट था और जॉन लुकस के साथ हमें भी प्रोटेक्शन मिल रही थी और हम आराम से शॉट ले पा रहे थे। यार लेकिन जॉन भाई तेज बहुत चलते हैं, या शायद ही उनकी नॉर्मल स्पीड थी। शूट में जॉन लुकस के साथ प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन में हम। ऐसा लगने लगा कि एक ना एक दिन ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भी होगी। जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो आपके ऊपर जाने का डर उस एक एक सीढ़ी के साथ कम होने लगता है। ठीक वैसे ही हम भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आने लगे थे। आइए आपको दिखाते हैं कुछ बरौथ की यादें जो किसी सपने से कम नहीं थी हमारी टीम के लिए। और फिर आती है वो घड़ी जिसका हम इस सफर के शुरू होने से पहले से लेके अब तक इंतजार कर रहे थे। हम लोग लेके आए थे कुछ गिफ्ट्स जो सूरज भाई ने खुद डिजाइन किए थे। उनके इस छुपे हुए टैलेंट का हमने जॉन लुकस को इम्प्रेस करने के लिए यूज किया, एंड गेस व्हाट, हमने उन्हें गिफ्ट्स दिए और जॉन खुश भी हुए, क्योंकि ऐसे यूनिक डिजाइन, ऐसा यूनिक तरीका गिफ्ट्स को देने का और कहीं नहीं, ये सिर्फ हमारी टीम के पास मिलेगा। फिर हमने साइट्रॉन के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो हमें जॉन का एक इंटरव्यू लेने दें, एंड ही सेड यस, और हम छठे आसमान पे। सातवां इंटरव्यू के बाद आएगा ना। हम निकले मेरठ क्योंकि इंटरव्यू के लिए वही जगह फाइनल हुई थी, नॉर्थ इंडिया के प्रोटीन सप्लायर के घर। पहले तो हमने सोचा कि शायद वो होटल है, लेकिन वो घर था। घर, वाओ। जॉन लुकस हमारे सामने और हम उनके, और वो हमारे दिए हुए गिफ्ट्स को खुद स्टोरी पे शेयर कर रहे थे, विच वॉज वेरी प्राइसलेस फॉर अस। उस दिन लगने लगा शायद ये हमारी पहली सीडी है और अब थोड़ा डर कम होने लगा। वी डिड द इंटरव्यू एंड हियर इट इज। सो नाइस टू हाय ब्रदर, यस हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कूल मैन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल अस अबाउट योर जर्नी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड बॉडीबिल्डिंग। या ओके, सो आई रिमेंबर बीइंग लाइक, that's basically how it started. Yeah, such an inspiring story. Like, yeah, we, like most of the people, most of the population, yeah, come same circumstances. Yes, exactly. Yeah, brother. And exactly, every bodybuilder face the same issues. Like when we started, we also do
all those mistakes. Yeah. 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 We also face the same mistakes. Right. Yeah, right. But we are learning and learning. That's and learning. It. That's it. And that's it's a lifelong process. Exactly. And it's a big journey. You know, this sport is definitely a long journey. Yeah. Yeah. And so my next question is, tell us about Indian culture. Like, you have been 7 years in India. Mm-hmm. You visited for the 7th. So what do you think about Indian culture? So, what you feel in India? Like, what the vibes you catch when you visit India or every place? Like, so I've been very blessed in my life that I've actually done a lot of traveling. I've been to 36 countries. To be in India. Yeah. All right. So it's all about it. Thank you. Cool, my brother. So yeah, thank you guys. Thank you, bro. Thank you, my brother. You too, guys. Thank you for the gift as well. उसके बाद सबसे गुड बाय कहने के बाद हम अपने घर चले और सफर यहीं खत्म हुआ. लेकिन वहां का, क्योंकि अगला दिन अगली लोकेशन हमारा इंतजार कर रही थी, अलीगढ़. अब आपको क्या लगता है अलीगढ़ में क्या हुआ होगा? वहां भी हमें सेम मसाज का एक्सपीरियंस. वहां भी चौंकाने वाली भीड़. भीड़ में फिर फंसा था जॉन लुकास और Cause so many time passed by. Don't know why I'm losing my mind. Ego was so strong inside. At this point I just lived a lie. I just lived a lie. I wish I could tell you why. I wish I could feel you again. But I know it's too late and I know you're away. There's a chance to apologize. Nah, nah, nah. It's a goodbye, just a goodbye. Forever and ever, you'll never come back. Just a goodbye, forever goodbye. I sit in my ride, think about you. Drive through the night, I got nothing to. तो जो था यहीं तक था, जो आगे होगा उसका अपडेट मिलता रहेगा. चलिए मिलते हैं फिर. Subscribe to the channel Creators Studio on Instagram and YouTube. They are a talented bunch of guys out of Aligarh, UP, Jatin, Surab, Suraj and team. I